हमारे साथ विक्रम रंधावा जी हैं। सबसे पहले मैं इनकी क्वालिटी बताता हूँ, शायद इनको याद नहीं हो लेकिन मुझे याद है। हम 2019 और 2018 के बीच में उत्तर प्रदेश हरदोई नेशनल खेलने के लिए जा रहे थे पावर लिफ्टिंग के लिए, और उस टाइम पर कोई बड़ा मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमएलसी हमारे पास नहीं आया, लेकिन हमारे विक्रम रंधावा जी आए और उन्होंने हमारे सर पे आशीर्वाद रखा और कहा आप जाओ और जीत कर आएंगे। और सर हमने 3 गोल्ड मेडल लाए वहां से, और ये क्वालिटी है इनकी, इन्होंने कभी भी किसी को डिमोरलाइज नहीं किया है। आज भी एक सॉन्ग रिलीज था, आज ये प्रेस क्लब आए हैं पूरा अपना वक्त निकाल के, आज सॉन्ग रिलीज था, कैसा लगा आपको? आज इलेक्शन की बात ही नहीं करेंगे, आज हम कुछ अलग टॉपिक करेंगे। ये सामाजिक हमारा एक ड्यूटी है जो निभानी चाहिए, सब कुछ राजनीति नहीं होती है। हमारा नौजवान है, हमारे इलाके का है, लकी हमारा साथी भी है, और अच्छा इमोशनल एक ट्रेंड इसने छेड़ा हुआ है जो जागरण करवाता है और सुख दुख का साथी भी है समूचे इलाके में। जहाँ जरूरत पड़े किसी की मदद भी करता है, लोग भी इसकी मदद करते हैं। आज इसने बहुत अच्छा बावे वाली माता पे एक डिवोशनल सॉन्ग बनाया है जिसका वीडियो आज रिलीज किया है, और मुझे लगता है कि ये बड़ा इनकरेजिंग है और हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने में ऐसे नौजवानों को आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। उसी प्रयास में हम लोग रहते हैं, जितना दे सके उतना कम। सुनजवा बठिंडी के लोगों से हमने आपके बारे में पूछा, इतना स्नेह, इतना प्यार पूरे इस असेंबली इलेक्शन में किसी भी इंसान के लिए नहीं देखा गया, लेकिन आपके लिए हमने ये सुना। देखिए जी, मेरी खुशकिस्मती है, वैसे भी मेरी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरी कर्म भूमि है, तकरीबन हर परिवार के साथ नाम और काम से परिचित हूँ, और कोशिश रहती है कि सुख दुख में भी लोगों के शामिल रहे, तो वही जो चीज़ें हैं फिर आगे चुनावी में भी आपके काम आती है। अगर आप किसी के सुख दुख के साथ ही बनते हो, तो जब आप कहीं ऐसी फील्ड में आते हो जहां आपको उनकी जरूरत पड़ती है, तो लोग फिर आपको साथ देते हैं। ये सुनवा या बठिंडी या उसके ऊपर रतीसराड़ी चौधरी का एरिया है, ये सारा अपना परिचित एरिया है। चुनावों में हमने देखा है लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम भी किया, साथ भी चले, और मुझे लगता है कि परिणाम भी बड़े अच्छे होंगे। आखिरी बात मैं करूंगा आपके साथ, एक सब्जी वाले थे, उनके पास पानी नहीं था, मैं भी मौजूद था, फिर आपने टैंकर से इतने मंगवाए कि उसको वो टैंकी भर गई, लेकिन वो टैंकर खत्म नहीं हुए। देखिए उसकी जरूरत थी उस वक्त, हमें लगा कि इसकी और हम क्या मदद कर सकते हैं, अगर हम मौके पर इसको पानी उपलब्ध करवा दें तो यही और क्या कर सकते हैं। राजनीति के लिए तो कोशिश रहती है, ये नालियाँ सड़कें बनाना, पुल बनवाना, ये कोई काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये लग रहते हैं। आप व्यक्तिगत पर्सनली किसी के पारिवारिक तौर पे अगर उसकी हेल्प करते हो तो वो उसके लिए एक पूरे जीवन की एक अंग बन जाता है कि उस वक्त मुश्किल घड़ी में मेरे वो काम आए। 8 तारीख को क्या लगता है आपको कि सुनजवा बठिंडी के लोग आपके घर के बाहर होंगे? देखिए वो नहीं होंगे तो मैं उनके घर के बाहर पहुंच जाऊंगा, कुछ तो होगा ही अल्टीमेटली। अब 1 तारीख को उन लोगों ने अच्छा काम किया है, उसका परिणाम 8 को निकलेगा, तो मुझे तो यही है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का अपना एक पारिवारिक क्षेत्र मानता हूँ, तो खुशी का इजहार करना है, वो मेरे पास आए या मैं उनके पास जाऊँ कोई बहुत बड़ा नहीं है। चलिए, ये क्वालिटीज़ हैं हमारे विक्रम रंधावा जी की, और हमेशा इन क्वालिटीज़ की वजह से ये हमेशा ही लोगों के बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख में हमेशा रहे हैं, और हमने देखा है कि हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, ये बच्चा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, उन सभी को। और चलिए 8 तारीख को क्या होगा क्या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।